दोस्तों 5 साल बाद शाहरुख खान कम बैक कर रहे हैं और उनकी पहली फिल्म पठान है। उसके बाद दूसरी फिल्म जवान आने वाली है, लेकिन पहली फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। दोस्तों वही फिल्म पठान इंडियन सिनेमा की हिंदी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है और 55 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है। वहीं पर दोस्तों इंडियन सिनेमा की हिंदी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कमाई करने का खिताब वोर फिल्म को था, जिसने 53 करोड़ की कमाई की थी, जिसका रिकॉर्ड केजीएफ चैप्टर 2 ने 54 करोड़ कमाकर किया था। वहीं दोस्तों फिल्म पठान हिंदी, तमिल, तेलुगु पूरे 3 भाषाओं में पूरे दुनिया भर में रिलीज हुई है। दोस्तों जहां पर फिल्म ने सभी लैंग्वेजेस में पूरे इंडिया से 57 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन कर चुकी है। वहीं पर दुनिया भर से 106 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है और एक नया इतिहास रच दिया है। वहीं दोस्तों इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट 250 करोड़ था और ये फिल्म 8000 स्क्रीन के साथ पूरे दुनिया भर में रिलीज हुई थी। वहीं दोस्तों इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो इस फिल्म में हमें नजर आए थे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और विलन के रोल में हमें नजर आए थे जॉन अब्राहम, और साथ ही सलमान खान का 20 मिनट का कैमियो था जिसे लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे पठान के 10वें दिन के नेट इंडिया कलेक्शन के बारे में, बात करेंगे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और साथ ही बात करेंगे ओवरसीज कलेक्शन के बारे में, आखिर फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है। फिल्म पठान 25 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के रिलीज का आज 10वां दिन है। इस फिल्म के रिलीज के आज दूसरा सप्ताह चल रहा है। इस फिल्म ने अपने रिलीज के पहले सप्ताह तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन दूसरे सप्ताह में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। दोस्तों फिल्म पठान ने अपने पहले सप्ताह भर से नेट इंडिया से 364 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है, वहीं पर वर्ल्ड वाइड 630 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी थी। वहीं पर दोस्तों 7वें दिन ये फिल्म 23 करोड़ का कलेक्शन किया था, 8वें दिन 18 करोड़ और 9वें दिन 15 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन कर चुकी थी। जहां पर दोस्तों पहले वीकेंड को देखा जाए तो पहले वीकेंड से ये फिल्म बहुत कम कलेक्शन कर पा रही है। जहां पर इस फिल्म के हिंदी लैंग्वेज में सिनेमाघरों में 13% की ऑक्यूपेंसी देखी गई थी, जो कि बहुत ही कम ऑक्यूपेंसी है। वहीं बात करें दोस्तों फिल्म पठान के 10वें दिन के कलेक्शन के बारे में, 10वें दिन ये फिल्म कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है और नेट इंडिया से 13 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें दोस्तों सभी दिनों को मिलाकर तो ये फिल्म 377 करोड़ का नेट इंडिया कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। वहीं पर सभी दिनों को मिलाकर बात करें दोस्तों तो ये फिल्म 700 करोड़ का नेट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों क्या आपने ये फिल्म देखी है, आप कमेंट में जरूर से बताना। उससे पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।